वेल दोस्तों, अगर आप एक आईपैड या फिर आईफोन यूजर हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि विंडोज प्लेटफॉर्म या फिर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में आप कोई भी फाइल को ट्रांसफर या फिर शेयर नहीं कर सकते हो अपने आईपैड या फिर आईफोन में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये सारे काम कर सकते हो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से तो कैसा लगेगा? वेल अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे अब सवाल आता है कैसे। वेल कैसे, जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी के बारे में। वेल तो राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप, स्वागत करता हूँ आप सबका एमटेक रिव्यूज के और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे इस छोटे से इंट्रो के बाद। वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है iMazing.com, और यहाँ से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है जो कि फॉर विंडोज़ है, और इसी के माध्यम से ही आप अपने आईपैड को या फिर आईफोन को अपने विंडोज़ पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, तो मैं इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिंपली आप यहां से फ्री डाउनलोड इसको कर सकते हैं, और यहां पे अगर आप चाहते हो तो इसको आप खरीद भी सकते हैं। तो मैंने इसको फिलहाल डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद ये सिंपली कुछ ऐसा इसका इंटरफेस जो कि आपको मैं फिलहाल ट्रायल पे मैं कंटिन्यू करके भी दिखा देता हूं। तो ये रहा सॉफ्टवेयर के इंटरफेस, और आप देख सकते हैं मेरा जो आईपैड है वो फिलहाल यहां पे कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पे जो सिंबल है यहां पे दिखा रहा है। तो आपको सिंपली आपके आईपैड को यूएसबी के थ्रू यहां से कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो आईपैड का सारा डिटेल्स है वो सारे यहां पे अभी शो हो। तो सिंपली कोई भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए सिंपली आपको क्विक ट्रांसफर पे क्लिक करना, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे मिल जाते हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हो उन्हें टेस्ट कर सकते हो एक के बाद एक। अगर आप बैकअप लेना चाहते हो अपने आईपैड का तो आप कर सकते हो इसके थ्रू। तो मैं सिंपली क्विक ट्रांसफर पे क्लिक करता हूं। क्विक ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप एक क्विक ट्रांसफर वाला ड्रैग एंड ड्रॉप विंडो ओपन हो चुका है। तो सिंपली आप चूज पे क्लिक कर सकते हैं क्विक ट्रांसफर के लिए। मैं सिंपली एक काम करता हूं, मैं सिंपली यहां पे एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं आपके लिए, या फिर एक सिंपली मैं यहां से चूज कर लेता हूं। चूज करने के बाद मैं म्यूजिक में जाता हूं। म्यूजिक में जाने के बाद यहां से मैं आपको दिखा देता हूं एक फाइल को कैसे मैं यहां से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल फाइल को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये सिंपली ढूंढेगा कौन सा फाइल मेरे ये लिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये सिंपली ढूंढेगा कौन सा सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन मेरे उस फाइल के लिए या फिर जो फाइल मैं ट्रांसफ़र कर लूँ उसके लिए सूटेबल है। तो मैं सिंपली VLC पे क्लिक करता हूँ और ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देता हूँ। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड्स ये लेगा और आपका जो फाइल है पूरा का पूरा यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो एक बार ये ट्रांसफ़र हो जाए तो सिंपली आप क्लोज विंडो पे क्लिक कर सकते हो और ये सिंपली यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह से आप भी किसी भी फाइल को विंडोज़ से अपने आईफोन या फिर अपने आईपैड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप कि वीडियो को पसंद आया। वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेलेक्ट कर देना, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो और लाइक कर देना। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी कदम के साथ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राधे राधे।